हाजरीन महफिल आदाब। रंगबाज प्रोडक्शन के प्रोग्राम तशरीफ में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है लच्छू भाई पोछे वाले। जी हाँ, लच्छू भाई ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत उतार चढ़ाव देखा। लच्छू भाई एक जमाने में बहुत बड़े बिल्डर हुआ करते थे, लेकिन पहले नोटबंदी, फिर GST और उसके बाद लॉकडाउन ने इनके बिजनेस का भट्टा बिठा दिया। लेकिन लच्छू भाई ने हिम्मत नहीं हारी, एक छोटे से कारोबार की फिर शुरुआत की, पोछे की। जी हाँ, पोछे का कारोबार शुरू किया और उस पोछे के कारोबार को एक बड़ा कारोबार बनाया। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब लच्छू भाई पोछे वाले से। आदाब। आदाब। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आप कैसे? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा लच्छू भाई, जैसा कि आपने बताया था कि आपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। जी जी। आपका जी, बिजनेस था खत्म हो गया, फिर आपने मेहनत की। ये आप अपनी जुबान से इस सफर को बयान कीजिए। देखिए खलीक साहब, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जी जी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी ना आपकी मेहनत जाया नहीं जाती है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, जिंदगी में कभी कोई मेहनत जाया नहीं जाती। जी 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 जी। तो जब हमने क्या शुरू में जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, हमारा सारा सब सब पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया था। फ्रस्ट्रेट हो गया मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए? जी बहुत ज्यादा। जी बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ? पर हमें क्या पोछा लगाने का शौक बहुत बहुत दिन से था। अच्छा अच्छा। तो हमने सारा फ्रस्ट्रेशन जो है पोछे को उतार दिया, और एक दिन हमने इतना पोछा लगाया, इतना पोछा लगाया, इतना पोछा लगाया कि बेहोश हो गए। पानी की कमी पड़ गई। मतलब पोछे में पानी की कमी पड़ गई? बॉडी में, बॉडी में, बॉडी में। अच्छा, बॉडी में पानी की कमी पड़ गई, इसलिए आप बेहोश हो? बेहोश हो गए हम। जी फिर क्या हुआ? बस वहीं हमसे एक आइडिया आ गया कि अब तो जो है पोछो का कारोबार करना का। अब जे जब आया तो दिमाग कैसे करें, तो फिर हमने हल्के से पोछे की चीजें शुरू करी, तो हमारा ये बिजनेस सेट हो गया पोछो। और फिर क्या 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 कैसे किया सब पोछे का कारोबार आपने, क्या कैसे? मतलब यही के हम जब स्ट्रगल टाइम था हमारा, तो हम जो है चार लौंडे एक कमरे में रहा करते थे। चार लड़के? जी एक कमरे में रहा करते थे, और उसमें दो लौंडे बहुत गलीज थे। गलीज? हाँ गलीज, वही वही जो। और अब ये समझ लीजिए आपके ढाई तो गलीज हो गए और डेढ़ साफ। डेढ़ साफ? ये मैं नहीं समझ पाया। देखिए दो लौंडे तो बहुत गलीज थे, गंदा रहना जानते थे, गंदी गंदगी में रहते थे, लेकिन मेरा क्या था, मैं साफ जगह पर रहना पसंद करता था, लेकिन सफाई नहीं कर पाता था। अच्छा, तो मतलब आप काम चोर थे? नहीं, आदत थी मेरी। नहीं आपने कहा ना कि आपको सफाई में रहना तो पसंद था, मतलब कोई सफाई करते आप रह जाते थे, लेकिन आप कभी सफाई करते नहीं थे। जी तो आप कामचोर हुए ना? नहीं जी, मेरी आदत हुई। अब उसको आदत कहें या अलामत कहें, लेकिन ये कामचोरी की अलामत है। जी आप गलत समझ रहे हैं आप। तो अब जब हम तो हमारे गुरु हैरी जो थे वो तंग गए। इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी क्या है कि जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं। अरे रे 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 रे। कोई मर गया आपके यहाँ? नहीं हमारे, अभी आपने कहा ना कि आपके गुरु थे हैरी। बदतमीज आप, अपने जुमले में ये थे लगाया। देखो जुमला शब्द का प्रयोग मत करिए, बिल्कुल जुमला शब्द का प्रयोग करेंगे तो जुमले ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। अरे तो आपने कहा था कि हमारे गुरु थे हैरी, मतलब हमने अपने गुरु को थे कह दिया। आपने कहा था? अरे नहीं देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे कैसे थे हो जाएंगे। ये देखिए, ओ हो हो, जी देखिए हमारे गुरु। ये आपके गुरु थे? जी आप जानते हैं? नहीं। तो आप तो ऐसे देख के चौंक रहे हैं, जानते हैं आप इनको? देखिए इनकी सूरत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जानना नहीं चाहता भाई। जी आपने हमारे प्रश्न का जी जी जी, जी, जी
उत्तर कैसे 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 देखिए देखिए लक्ष्मी भाई, उत्तर तो उत्तर होता है चाहे कैसा हो। अरे इतनी देर से मेरा नाम गलत कह रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। भाई देखिए मैं देखिए मुझे बोलने की बहुत ज्यादा बीमारी है, माफी चाहता हूँ। आपका नाम खलीक नहीं है? नहीं मेरा नाम खलीक नहीं है, तो मेरा नाम है खलीक। ये क्या बात है कि आपका नाम खलीक नहीं है, आपका नाम है खलीक? खलीक नहीं खलीक। हाँ खलीक, खलीक नहीं है। आप जरा अंदर से निकालिए। अंदर से? अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं आप, यहीं बैठिए। मैं अंदर से कितने अंदर जाऊंगा ना, अंदर से मतलब गले के अंदर से आवाज निकालिए। यार आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, आप जरा गले के अंदर के अंदर बैठ के जरा आवाज निकालिए, बेकार की बात कर रहे हैं आप। छुए बात नहीं समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि गले हलक जो होता है उसके अंदर से एक आवाज आती है, अंदर से गहराई से। गहराई से? खा 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 नहीं खा खा, ऐसा करिए सर ऊपर करिए। खा खा। लच्छू भाई आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। अब मैं खुदा से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में आप खलीक बनकर पैदा हो। जी आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं? मैं आपको क्यों बद्दुआ दूंगा, मैं आपको दुआ दे रहा हूं। नहीं आपकी शक्ल जो है किसी की बद्दुआ लग रही है मुझे। लच्छू भाई इन बातों को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा कारोबार आपने खड़ा कैसे किया? देखिए एक बार हम फिल्म देखने गए। अच्छा। तो वहां पे हीरो बोलता है जे मजदूर का हाथ है कांतिया, लोहे को पकड़ के उसका आकार बदल देता है। खलीक भाई जे बात मेरे जहन में बैठ गई। फिर? अब फिर बिल्डर बन गया। अब फिर बिल्डर बनने के बाद जब मैं बोला हूं, पता क्या बोला? क्या बोला बताइए। मैंने कहा जे बिल्डर का हाथ है कांतिया, मट्टी को पकड़ कर लोगों का घर बना देती है। लच्छू भाई आपने कमाल की बात कही। मैं आपकी बात का कायल हो गया। अच्छा ये बताइए ये जो पोछे का कारोबार है ये आपके जहन में कहां से आया? देखिए क्या होता है कि देखिए हुनर होना चाहिए आपके अंदर। लोग तो मट्टी को भी सोने के रेट में बेच देते। मतलब? मतलब ये कि गुरु हैरी ने वो जो दो लौंडे थे ना गलीज, वो तो शिक्षा के लायक नहीं थे। अच्छा। गुरु हरि मुझे ताड़ गए कि जे लौंडा जो शिक्षा के लायक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके गुरु थे हरि जी थे नहीं है, फिर आप वही बात कर रहे हैं। ताड़ते थे लड़कों को? जी ताड़ते थे। ताड़ू थे? ताड़ू थे। फिर आगे क्या हुआ? तो जी उन्होंने हमें कहा गया तुम तुम सफाई के लिए एकदम तैयार आदमी हो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुला के पोछे के फायदे बताए। लच्छू भाई पोछों के भी फायदे होते हैं? यही प्रश्न मेरे दिमाग में आया और जब उन्हें पोछे के फायदे बताए तो मैं तो बहुत ही भौचक्का सा रह गया। जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि पोछे से आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा, ये करेक्ट बात है, और दूसरे जी के फैट कभी नहीं चढ़ेगा, ठीक है, और तीसरे जी के जिम जाने की जरूरत नहीं, ये बात जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने मुझे 3 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ दिया कि आप जो है भाइयों का ऑब्जर्वेशन करें। मतलब लच्छू भाई फिर आपने भाइयों को ऑब्जर्व किया? जी। अच्छा। मैंने 3 भाइयों को ऑब्जर्व किया, संजना थी जी और शिवानी और एक काली सी थी, उनका बच्चा 1 साल का था लेकिन वो एकदम लड़की की तरह लगती थी। अच्छा। परमला? अच्छा। फिर खैर हमने 8 बजे सुबह संजना हमारे यहाँ पोछा लगाने आती थी। संजना जी आती? जी संजना जी। फिर क्या हुआ? फिर जब वो 8 बजे जैसे ही हमारे कमरे में घुसती थी बाल्टी लेके, और जैसी बाल्टी धप से जमीन में रखती थी मेरी आंख खुल जाती थी। अच्छा उसके बाद? और फिर जो है वो पानी में पोछा डाल के और जब पोछे को निचोड़ती थी खलीक भाई, तो उसमें से जो पानी निकलता था ना छुल 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 छुल, आप यकीन नहीं करेंगे पूरा माहौल बदल जाता था कमरे का जी, समझ रहे हैं? ऐसा लगता कि हवाएं चल रही हैं, सावन का सा महीना आ गया है। मैं समझ रहा हूँ जी। फिर क्या हुआ? जब वो निचोड़ती थी ना पोछा, तो उस वक्त हाथ के कट्स देखने लायक होते थे। हाथ के कट्स? जी। फिर? और वो फिर पोछे को धपाक से जमीन में फेंक देती थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं धपाक से नहीं, छपाक से होता। हाँ, छपाक से, छपाक से पानी भरा हुआ था उसमें, छपाक से। अब फिर दोनों हाथ पोछे पर रख के 180 की डिग्री पर जब पोछा घुमाती थी ना ऐसे 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 ऐसे, तो उनकी कमर के बल देखने लायक होते थे। आपने देखे थे? जी। अब फिर
फिर जब वो पोछा लेके बेड के अंदर घुसती थी, बेड के नीचे जी, तो मैं रामदेव के आसन का कौन सा बखान करूं, मेरी तो सोच ही रुक जाती थी और मैं सोच में पड़ जाता था पोछे के कितने फायदे हैं। जी दुरुस्त फरमाया आपने। और फिर जब वो पोछा लगा लेती थी तो मैंने अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पूछा कि आप डाइटिंग करती हो, तो पता संजय ने क्या कहा? क्या कहा? उसको डाइटिंग पता ही नहीं थी। और खलीक साहब वो बोली कि बाबूजी जो मिल जाता है वो खा लेती हूं। फिर क्या हुआ? फिर वो पोछा लेके गुरुजी के कमरे में चली गई। गुरुजी के कमरे में क्यों गई? पोछा लगाने। अच्छा लक्ष्मी, ये सब क्या है? ये हमारी कंपनी का मीनू कार्ड है। अच्छा अच्छा, यानी कि जो आपकी कंपनी है वो आपकी जोजा के नाम पर है। जोजा? असल में जोजा का मतलब है धर्म पत्नी या वाइफ। नहीं नहीं, उसे जोजा कहते हैं। जी जोजा कहते हैं। ये जो मीनू जी हैं ये आपकी जोजा है? नहीं नहीं, हमारी कंपनी संजना के नाम से है। संजना पोच। अच्छा अच्छा, संजना पोच। संजना जी, यानी वो? अरे कमाल कर दिया आपने लच्छ भाई, कमाल कर दिया। तो फिर ये मीनू जी कौन है? ये भी पोछा लगाती थी? नहीं नहीं, मीनू तो आप किसी होटल में जाते हैं, हम कई खाने जाते हैं तो वो खाने से पहले आपको मीनू कार्ड देते हैं। मेन्यू कार्ड है ये? हाँ मीनू कार्ड, वही मीनू कार्ड। कुछ और तो खैर, पोछा है हाथ जी, पोछा यानी कि जो हाथ से, जो हाथ से पोछा उसकी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है ठीक है, 999 रुपए पर मंथ। जी बहुत बढ़िया। फिर आ गया ये नीचे पोछा है पैर, यानी कि पैर से पोछा, पैर से पैर से। अरे ये तो काफी सस्ता है भाई। वो सब आसान है ना, इसकी ट्रेनिंग कुछ है नहीं। वैसे मिट्टी का ये मिट्टी का पोछा क्या है? देखिए मिट्टी का पोछा क्या है, ये हमने गांव की महिलाओं के लिए ये पोछा बनाया। अच्छा, आप जो है एक मिट्टी का घोल बनाए पानी में जी, और इस पोछे से वो जब आप उससे लीपेंगे मतलब पोछा लगाएंगे तो बड़ा क्लीन साफ सुथरा। बहुत अच्छा पोछा है जी, बहुत अच्छा पोछा है, बहुत फायदेमंद पोछा है। अभी जो ये जादुई पोछा है इसके बारे में जरा कुछ आप बताइए। देखिए जादुई पोछा क्या है, इसके अंदर हम देखिए 250 ग्राम चमेली जी, 250 ग्राम मोगरा, अच्छा 250 ग्राम रात की रानी और 250 ग्राम दिन के राजा के फूल पानी मिला दीजिए आप। अच्छा, फिर इस पानी से पोछा जब लगाएंगे कमरे में, और उस कमरे में पोछा लगाएं जैसे जब सुहागरात हो या कुछ ऐसी चीज हो, तो जब फिर देखिए आप इसका जादू। लच्छू भाई, आपका ये पोछा सुनकर को तो मुझे अपने ख्वाब का किया था। शादी हुई आपकी? इस बात को, इस बात को आप यही दबा दीजिए। अरे आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त थे श्रीदेव जी। अच्छा अच्छा, तो उनका बच्चा नहीं होता। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने जे पोछा उनको बना के दिया। अच्छा, एक महीना पोछा लगाने के बाद प्रेग्नेंट हो गए श्रीदेव भाई। अजी जो जा उनकी। अच्छा। श्रीदेव जी वो तो बहुत ही बड़े वाले आदमी हैं। जो जा उनके जी जी। अच्छा जी, 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 जी। इसमें प्लस 501 यानी कि 1499 तो पर मंथ हो गया जी, और 501 रुपए अलग से। अगर किसी के बच्चे हो जाए तो 501 रुपए। अच्छा, वो खुशी में नेक। ये जे जे हमारा जो अब जो पोछा आया है, जे बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्या है ये? मोती पोछा। क्या बात कर रहे लच्छू भाई, प्लीज मोती वगैरह का नाम मत लीजिए। हमारा जो प्रोग्राम है मोदी का नाम थोड़े, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मोती मोती सफेद आता, सफेद मोती। अच्छा, ये मोती सफेद सफेद जी जी, मोती सफेद वाला। अच्छा, जो मोती होता है जी, इसके बारे में बताइए तो बड़ा इंटरेस्टिंग। इसकी बड़ी डिमांड है पोछे। अच्छा? पूरी दुनिया में डिमांड इस पोछे की, पूरी दुनिया में जी, जी। इस पोछे की खासियत है ये, जिसके हाथ में होता दिखता नहीं है और सफाई शुरू। मतलब मिस्टर इंडिया पोछा? मिस्टर इंडिया पोछा है, सफाई शुरू। और आप अंदाजा लगा तरीके किसके हाथ में, इसके हाथ में या इसके हाथ में या इसके हाथ में, दिखेगा नहीं, सफाई चालू, सफाई चालू। अभी किसके हाथ में जी? जनता बताएगी।
जी जनता बताइए। अरे बड़ा देखिए, भूटान में, नेपाल में, बर्मा में, सब जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। अरे एक और मुल्क है पास में, बांग्लादेश, वहाँ अभी आप? वहाँ हमने अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव भेजा था, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव। जी तो मैं बात बनी नहीं, मेरे ईमानदार लोगों को पता नहीं। और अभी इसकी डील तो क्या कहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, अमेरिका से चल रही है। मतलब आप अमेरिका में भी आपका पहुँचा जा? जी अरे मैं बता रहा हूँ, बहुत फायदेमंद पहुँचा रहा है। मतलब लच्छू भाई, जब आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उसका कोई प्लांट, फैक्ट्री वगैरह, कुछ कारखाना, कोई प्लांट वगैरह तो आपने कहीं प्लान किया होगा? बहुत बड़ा प्लांट लगा इसका। कहाँ पर? देखिए हम तो देखिए हिमाचल बंगाल में लगाना चाह रहे थे। अच्छा, कलकत्ता वाला था, लेकिन वो क्या है कि दीदी ने मना कर दिया। फिर हमने जो है गुजरात में लगाया। अच्छा अच्छा, तो बड़ा ही भाई साहब, बहुत ही प्रगतिशील वो है, क्या कहते हैं, राज्य गुजरात, बहुत ज्यादा। अच्छा, और माँ पोछा लगाने जिसकी फैक्ट्री जो लगाई है, आप एक दिन ये देखेंगे भारत का नाम ही गुजरात पड़ जाएगा। अरे नहीं, इसका सर देखते रहिए। आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा हूँ। जी जी, आप मेरी बात सुनिए। देखिए हिंदुस्तान एक मुल्क है ना, वो है, और गुजरात एक स्टेट है, छोटा, ठीक है। मैं तो एक बात करूँ, असर जिसका असर ऐसा। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ लिखा है कि मोती पोछा 50% बिजनेस पार्टनरशिप, ये समझ में नहीं। देखिए इसकी ना, इस जो ट्रेनिंग है बहुत स्पेशल है। अच्छा, समझ रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत सारा समझाना पड़ता है चीज़ों को लेके। इतना जो इम्पोर्टेंट पोछा है ये, इसको मतलब आपने, आपको मौका कहाँ से मिला, आपने जाना कहाँ से? देखिए जाना, ये जे पोछा आप जे लगा लीजिए, ये पाकिस्तान से आइडिया आया 47 के बाद से। जी पोछा वहां लग रहा है पाकिस्तान में। अच्छा भैया, सारा पाकिस्तान साफ ही हो गया है, अब वहां जरूरत नहीं पोछे लगाने की। अच्छा अच्छा, अब जी आइडिया उठा के हम इंडिया में ले आए। अच्छा भाई, इतना काम किया इसने, इतना बर, क्या आप समझ रहे क्या हाल? आप तो देख ही रहे हैं सारा। जी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर, मुलाकात कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज आपने मुलाकात की जनाब लच्छू भाई पोछे वाले से, और आपने देखा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे। कभी इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया, वो फेल हो गया, फिर कोई दूसरा बिजनेस शुरू किया, वो फेल, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो मैं आप लोगों से यही मौतदीवाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो हार मत मानिए, क्योंकि हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। तो दोस्तों, रंगबाज प्रोडक्शन जल्द लेकर आएगा आपके लिए एक नया प्रोग्राम, नया एपिसोड। जब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहिए, हिफाजत से रहिए, सफाई करते रहिए। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।